हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। सो दोस्तों, आज का जो ट्रिक है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, समझिए कैसे मैंने किया कैसे नहीं। सो दोस्तों, आज की ट्रिक में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने जो स्टेटस बार है यहाँ पे अपना टाइम कैसे सेट करेंगे, टाइम मंथ और डे यहाँ पे कैसे सेट करेंगे, और ये आप अलग अलग कलर में जो है सेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो बहुत अच्छी ट्रिक है ये, कैसे मैंने यहाँ पे स्टेटस बार में से टाइम को सेट किया है, और आप भी अपने किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस में ये ट्रिक जो है इस्तेमाल में ला सकते हैं। और दोस्तों, ये जो टाइम है ये आपके लॉक स्क्रीन में भी आएगा और ये आपके ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे भी आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सैटरडे 7 यहाँ पे आएगा, और ये आप अपने स्टेटस बार पे भी सेट कर सकते हैं। और मान लो कि अगर आप कहीं गेम वगैरह खेल रहे हैं या फिर आपने कुछ ब्राउजिंग वगैरह कर रहे हैं या कोई वीडियो देख रहे हैं, तो आपका ध्यान जाता है कई बार कि आप जो आज की डेट कितनी है, आज मंथ कितना है और आज डे कितना है, एकदम से आपके ऊपर स्टेटस बार पे नजर जाएगी। हाँ, आज 7 तारीख है और दिसंबर चल रहा है और सैटरडे है आज। तो ऐसे ही आप भी अपने फोन में से सेट कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है और काफी बढ़िया और बिल्कुल ही सिक्योर है, और आप अपने किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस में से सेट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे इस तरह की ट्रिक्स जो है आती रहती हैं। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश कुमार और आप देख रहे हैं RK न्यूज टैक चैनल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना होगा इसे सेट करने के लिए, तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, तो प्लीज ध्यान से देखना इस वीडियो को। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, जो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप जब इसे ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, और आप जो है टाइम भी चेंज सकते हैं, जो कलर है जैसे कि मैं ब्लू में कर दूंगा, तो मान लो कि मैं इसे ब्लू में करता हूँ, तो टाइम जैसे ब्लू में हो गया, तो आप चाहते हैं इसे ग्रीन में करना तो यह ग्रीन में भी हो जाएगा। और यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स है, पहले यहाँ पे स्टॉप रहेगा, आपने स्टार्ट डेट जब आपने यहाँ पे कलर सेट कर लेने हैं उसके बाद स्टार्ट डेट बार पे यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपका टाइम यहाँ पे शो हो जाएगा, और ये जो है इसका बहुत सारी सेटिंग्स हैं। आप जाएंगे मैनेज आइकन पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आप जो है आइकन्स भी, इसके जो आइकन्स होंगे उनको भी सेट कर पाएंगे, और इसके जो आपके जो यहाँ पे लैंग्वेज होगी आप लैंग्वेज यहाँ पे अपने हिसाब से सेट कर पाएंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारी लैंग्वेज भी यहाँ पे मिल जाएंगी, और कलर भी अपने हिसाब से यहाँ पे मॉडिफाई कर पाएंगे, साइज भी छोटा बड़ा यहाँ पे कर सकेंगे अपने हिसाब से, कोई भी सेटिंग यहाँ पे आप इजिली कर पाएंगे। और मुझे ये ट्रिक जो है काफी बढ़िया लगी, तो मैंने सोचा कि ये ट्रिक जो है आपके साथ जरूर शेयर करूं, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो आपने कैसे सेट करना है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, और बाकी यहाँ पे आप सेट करेंगे अगर आप चाहते हैं कि डेट पहले आए और महीना लास्ट में जाए, मतलब यहाँ पे बहुत सारी आपको फॉर्मेट यहाँ पे आपको अलग अलग देखने को मिल जाएंगे। तो ये था आज का वीडियो, मैं ज्यादा लंबा नहीं लूंगा, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।